हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है। इसके पहले जो हम लोग ने वीडियो में कवर किया था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी का ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस को लेके पढ़ाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं शिल्पा सिंघानिया विद BSc एंड MSc इन इकोनॉमिक्स, और मैं आप लोग के सामने आज ये वीडियो लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहला इंडेक्स जो हमारे पास है वो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये इंडेक्स होता क्या है? अब बेसिकली ये इंडेक्सेस क्यों पब्लिश होता है? टाइम टू टाइम हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, लेकिन पब्लिश होता है। एक कंट्री कितना डेवलप्ड है कि नहीं ना, वो हम लोग ये इंडेक्सेस के हेल्प से पता कर लेते हैं। इसीलिए आप लोग जब आंसर राइटिंग लिखेंगे ना, तो आप लोग ये इंडेक्सेस को कोट कर सकते हैं। वहाँ पर ये इंडेक्सेस का रैंकिंग बता सकते हो, और बता सकते हैं कि इंडिया कितना डेवलप्ड है, कौन कौन सा फील्ड में क्या है। तो आप लोग ये इंडेक्सेस का हेल्प से आप लोग अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आप बताइए पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन का बेसिकली डेवलपमेंट। आज एक इंसान का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? पहले वो जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, जिंदा नहीं रहेगा तो कहाँ से डेवलप्ड होगा? साथ में अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो डेवलप्ड होगा? नहीं होगा। और साथ में उसको इनकम अर्न करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है एक इंसान को डेवलप होने के लिए। अगर इंसान डेवलप्ड होगा तभी तो देश डेवलप होगा। तो इसीलिए तो ये जो इंडेक्स है ना, ये तीन क्राइटेरियाज को मानता है। पहले बर्थ, एजुकेशन और इनकम। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बुद्धि किसने लेके आई थी सबसे पहले, इस बुद्धि को किसने दिया था? मेघनाथ देसाई और अमर्त्या सेन। अमर्त्या सेन को तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये जो पहला रिपोर्ट HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो सबसे पहला रिपोर्ट है, वो कब पब्लिश हुआ था? 1990 में पब्लिश हुआ था अंडर महबूल उल हल। ठीक है, ये इंडेक्स का वैल्यू बेसिकली 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब डिटेल्स में समझ लेते हैं क्या है। एक्चुअल में इसका तीन डायमेंशन है ये इंडेक्स का। सबसे पहला डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अगर इंसान एक हेल्दी लाइफ जीता है तो वो अच्छा होता है, वो इन देश के लिए अच्छा होता है ना। लोग जन्मते मर जाने से तो वो तो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, साथ में एजुकेशन इंडेक्स, जिसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। सपोज आप पढ़ने गए स्कूल में, आप पढ़ते ही 2 साल पढ़े और फिर स्कूल से निकल गए, तो ये तो एक अच्छा चीज नहीं है ना। सपोज आपका एक मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होना चाहिए, कम से कम भी आप एवरेज में एक अच्छे, मतलब 12th क्लास पास हुए, ऐसा होना चाहिए हर किसी के लिए। एंड एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए आपके घर पे, एटलीस्ट एक अच्छे से रहने खाने पीने का सब व्यवस्था होना चाहिए। तो यही तीनों इंडेक्स का हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये इंडेक्सेस निकाल लिए तीनों अलग अलग करके, और फिर उनका हम लोग ज्योमेट्रिक मीन ऐसे करके √3 क्यूब रूट निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आराम से समझ लीजिए। जैसे हर एक पर्सन का लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर्स क्या लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सपोज आप जन्मे, आपसे पूछा गया आपका कितना एक्सपेक्टेंसी कितना है लाइफ का, आप कितना साल जिएंगे? 80 साल जिएंगे ना, 70 ना, 50 में मर जाएंगे। फिर नॉलेज में आपका कितना है, आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना देखने को मिल रहा है। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर इंसान कितना कमा रहा है। तो इससे हम लोग इंडेक्सेस निकाल रहे हैं, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और ग्रॉस नेशनल इंडेक्स। इन तीनों को एवरेज करके हम लोग को क्या मिल रहा है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पता चल गया होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। अभी रिसेंट में आपका 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, और उसमें इंडिया का कितना रैंकिंग है? इंडिया का रैंकिंग उसमें है 131 रैंक की है इंडिया। तो बेसिकली 2018 में देखा गया था कि 130 रैंक की है, लेकिन 2020 में देखा गया है कि 131 रैंक हुआ इंडिया का। ठीक है, तो बहुत ही गंदा रैंकिंग है इंडिया का 131 एक्चुअल में। ठीक है, तो इंडिया को और ज़्यादा डेवलप होने का ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या हो रहा है, आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड इनकम के साथ जब हम लोग इनइक्वालिटी को एडजस्ट कर देते हैं, इनइक्वालिटी हर जगह हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, लाइफ में भी देखने को मिलता है, स्कूलिंग में भी देखने को मिलता है और इनकम में भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये हम लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इनइक्वालिटी को जब हम लोग एडजस्ट कर देते हैं ये तीनों में से, तब हम लोग को जो इंडेक्स हम लोग को मिलता है वो है आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वाला एक्चुअल में सबसे सही इंडेक्स है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जब एक इनइक्वालिटी देखने को मिलता है इसके पहले, तो वो सही नहीं है एक्चुअल में। हो सकता है एक देश का बहुत अच्छा रैंकिंग है, लेकिन देखा गया कि वहाँ पर इनइक्वालिटी इतना हाई रेट में है ना कि वो इंडेक्स को इतना अच्छा बना दिया है, पर जब हम लोग उसके साथ इनइक्वालिटी को हटा देते हैं तब जाके अगर देखेंगे ना तो हम लोग को बहुत डिफरेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये इंडेक्स को लेके आए, ये ट्रू पिक्चर है इंडिया का डेवलपमेंट का, ह्यूमन कितने डेवलप्ड है यहाँ पर उसका ट्रू पिक्चर है ये इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इक्वल्स टू HDI। कब इक्वल्स टू HDI होगा, जब there will be no inequality across people, जब देखा जाएगा कि no inequality across people, ठीक है। इसका 3 dimensions है, एक है health, education और तीसरा है आपका income। Two countries with different distribution of achievement can still have the same HDI value, क्योंकि inequality के वजह से basically same हो सकता है। आज इंडिया में बहुत inequality और US में नहीं है, HDI calculate कर रहे हैं, क्योंकि और कोई समय हो सकता है कि बहुत अच्छा हम लोग भी यूएस के जितना अच्छा बन जा रहे, क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी को एडजस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी को तब हम लोग को देखने को मिला इतना डिफरेंस है इंडिया और यूएस में, तो यही चीज हो जाता है एक्चुअल में। तो फिर नेक्स्ट जो है ना, बेसिकली टेक्स नॉट ओनली हम लोग इसमें ये इंडेक्स में हेल्थ एजुकेशन और इनकम के साथ साथ और एक क्या चीज हम लोग ले रहे, हम लोग ले रहे इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को हम लोग डिस्काउंट कर दे रहे हर डायमेंशंस के साथ, मतलब डिस्काउंट मतलब क्या होता है, माइनस कर देते हैं हर एक डायमेंशंस के साथ, हर एक डायमेंशंस में हम लोग क्या कर रहे इनइक्वालिटी को माइनस करके हम लोग इनइक्वालिटी एडजस्टेड इंडेक्स निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। एक्चुअली हम लोग ने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है आपका वो कौन पब्लिश करता है, वो पब्लिश करता है आपका UNDP, वैसे ही जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी कौन पब्लिश करता है, UNDP ही पब्लिश करता है। ये बहुत 2-3 इंडेक्सेस है जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ही पब्लिश होता है, ये कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। फॉर वुमेन्स एंड मेन हम लोग अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं फीमेल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेल के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से डिवाइड करके हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। वो रेशियो अगर इक्वल्स टू आपका 1 हुआ तब तो बहुत अच्छा, कंट्री में इक्वालिटी है, दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों इक्वल अमाउंट में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लेस देन 1 हुआ तो मतलब बहुत ही गंदा हालत है, क्योंकि फीमेल्स का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है, और एक्चुअली इंडिया में ऐसा ही कुछ हालत है, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फीमेल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेल से अच्छा है, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पहले इट मेजर्स जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स बाय अकाउंटिंग डिस्पैरिटीज बिटवीन वुमेन एंड मैन। यहाँ पर 3 डायमेंशन है, एक है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में निकालते हैं वैसे ही इसमें भी हम लोग निकालते हैं, अलग अलग फीमेल्स का अलग और मेल्स का अलग, और फिर उसको ऐसे रेशियो करके, रेशियो ऑफ HDI कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मेल्स एंड फीमेल्स यूजिंग दी HDI एज दी HDI, और फिर मेजर दी जेंडर गैप फॉलोइंग दी फीमेल HDI एज ए परसेंट ऑफ द मेल HDI, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका एक्चुअली रैंकिंग नहीं निकलता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का हम लोग को कोई भी तरह का रैंकिंग नहीं देखने को मिलता है,
है, लेकिन ये कैलकुलेट होता है हर साल, ये इसका अलग है, इसका अलग मेथड है बेसिकली प्लान करने का। फिर हम लोग के पास आता है वो है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जेंडर इनइक्वालिटी, GII जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जेंडर इनइक्वालिटीज को मेजर करते हैं बेसिकली तीन फील्ड में, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस को हम लोग लेते हैं। इसका क्राइटेरिया बहुत अलग है। इसके पहले हम लोग ने देखा कि नॉलेज, हेल्थ, एजुकेशन, ये तीनों को ले रहे थे, पर इसमें अलग ही है, अलग क्राइटेरियाज है। यहाँ हम लोग देखते क्या देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट। एम्पावरमेंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मेजर्ड बाय प्रपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स एंड प्रपोर्शन ऑफ अडल्ट फीमेल्स एंड मेल एज 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड। इसको हम लोग आगे अच्छे से और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये वाला चार्ट है मेरे पास आप लोग के लिए। यहाँ पर हम लोग का थ्री डायमेंशन है, वो है आपका हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, ठीक है। हेल्थ के अंदर में हम लोग क्या ले ले रहे हैं, मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशियो। मेटर्नल मतलब क्या, माँ जो है कितना साल में मर जाती है, मेटर्नल, ठीक है, आपकी माँ जो है बेसिकली कितने साल में उनका डेथ आ रहा है। एडोलेसेंट बर्थ रेट मतलब क्या होता है, एडोलेसेंट जो बेसिकली 15 से लेके आपका 18 से लेके जो 35 ईयर्स, तो उनका इसमें एडोलेसेंट बोला गया, एडोलेसेंट बर्थ रेट। और फिर यहाँ पर एम्पावरमेंट में देखा गया फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन और फीमेल एंड मेल शेयर इन पार्लियामेंट्री सीट एंड फीमेल एंड मेल इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 8 to 12 एजुकेशन कैसे मिल रहा है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेंज मेल और फीमेल का अलग अलग। फिर इसमें हम लोग क्या करें, तीन इंडेक्सेस निकाल रहे, एक है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इंडेक्स, फिर मेल एंड फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स। एम्पावरमेंट में हम लोग मेल एंड फीमेल का सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे, पार्लियामेंट्री सीट्स ले रहे, और फिर फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स जो हम लोग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लेके निकाल रहे हैं, और फिर मेल का अलग निकाल रहे, मेल का लेबर मार्केट अलग निकाल रहे, ठीक है। उससे हम लोग क्या निकाल रहे, और रिप्रोडक्टिव तो मेल का होता नहीं, तो रिप्रोडक्टिव इंडेक्स मेल का तो निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तीनों को मिला के हम लोग, ये तीनों को मिला के क्या मिल रहा है हम लोग को, जेंडर इंडेक्स, फीमेल जेंडर इंडेक्स, और यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, मेल जेंडर इंडेक्स। इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं, वो है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, ये तीन अलग अलग क्राइटेरिया है, हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट, ये दोनों को मिला के आपका क्या मिल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स। एम्पावरमेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कितना कितना को मिला है, साथ में पार्लियामेंट्री सीट्स कैसे कैसे होल्ड हो रहा है, फीमेल्स कितना होल्ड कर रही है, मेल्स कितना होल्ड कर रही है, इससे हम लोग एम्पावरमेंट का बारे में पता चल जा रहा है हम लोग को। फिर फीमेल का लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन से उसका इंडेक्स निकल जा रहा है, इन तीनों इंडेक्स को मिला के हम लोग का ये फीमेल जेंडर गैप इंडेक्स हो रहा है। तो इसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप लोग ये आंसर राइटिंग में जब फीमेल एम्पावरमेंट लिखेंगे ना, तब आप लोग इस इंडेक्स को कोट कर सकते हैं, वहाँ ये बता सकते हैं कि इंडिया का जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें इंडिया जो का जो रैंकिंग वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे पता ही चलता है कि हम लोग जो है मतलब यहाँ पर वुमेन्स का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसे कौन पब्लिश करता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। इसे पब्लिश करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वॉशिंगटन DC में है, और भी साथ में इसके कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है वो है आपके वेल्थ हंगर लाइफ जो जर्मनी में है, और एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड में, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन तीनों ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। ये जो इंडेक्स है ना, ये एवरी ईयर पब्लिश होता है। इसके तीन डायमेंशन है, पहले है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, एडिक्वेट सबको फूड सप्लाई नहीं मिलता है, साथ में चाइल्ड मोर्टैलिटी और साथ में चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इनएडिक्वेट फूड सप्लाई के अंदर में क्या क्या आता है आपका, आता है अंडर नरिशमेंट, कितने लोग ज्यादा से ज्यादा अंडर नरिश्ड है, यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिलता है, यहाँ पर कितने लोग
मर जाते, मतलब जन्मते वो लोग मर जाते, या 5 साल के अंदर में वो लोग मर जाते हैं, अंडर 5 मोर्टैलिटी। साथ में आपको चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग को चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलता है और चाइल्ड स्टंटिंग देखने को मिलता है। ये दो इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसका वेटेज 1/6 है, इसका 1/6 है, इसका 1/3 है, इसका 1/3 वेटेज है। ठीक है, तो ये चारों पैरामीटर्स को बेस करके हम लोग ये इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं एवरी ईयर। जहाँ पर अंडर नरिशमेंट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इनएडिक्युएट फूड सप्लाई है, ठीक है, फिर एंटायर पॉपुलेशन वो चिल्ड्रन एंड एडल्ट के लिए है। यहाँ पर हम लोग देखते पर यहाँ के बच्चे जो है ना न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से लेकिन सफर करते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हम लोग को फूड ग्रेन्स का। यही चीज को टैकल करने के लिए ना गवर्नमेंट जो है बेसिकली मिड डे मील्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स निकालती है, ताकि यही चीज को रोका जा सके। बच्चे जो है ना अच्छे से खाना पीना करेंगे तब जाके तो वो लोग अच्छे से एजुकेशन भी वो ले सकते हैं। तो यही इंडेक्स में हम देखते हैं ना इंडिया का जो रैंक है, बेसिकली देखा गया इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, 94th है। इसमें 94th है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, लेकिन रैंकिंग ओके। तो इस रैंक में हम लोग देखे हैं कि इंडिया जो है अभी प्रेजेंटली 2020 में इसमें कितना रैंक किया है, 94th रैंक किया है। तो लेकिन अगर यहाँ पर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली क्या हुआ है। यहाँ पर चाइना का कितना रैंकिंग है, इंडिया का कितना रैंकिंग है, एंड इंडिया का रैंकिंग तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 94th है। साथ में अफगानिस्तान का कितना, 99 है रैंकिंग, पीछे है इंडिया से। लेकिन पाकिस्तान जो यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया से पहले है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें इंडिया का रैंक बेसिकली 139 है आउट ऑफ 149। यहाँ के लोग कितने खुश, आप कितने खुश हैं इंडिया में रह के, वो बेसिकली ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स से पता चल जाता है। इसमें बहुत टॉप कंट्रीज जो होते हैं वो है फिनलैंड, आइसलैंड, ये लोग होते हैं। यहाँ पर देखने को मिला ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना, ये कौन मेजर करते हैं, ये टर्म जो है ना ये किसने कॉइन किया था, सबसे पहली बार जो है ना किंग ऑफ भूटान ने इस टर्म को कॉइन किया था, जिसका नाम था सिंगवी वैनचुक ने। 1972 में इस टर्म को कॉइन किए थे वो। उन्होंने ये बोला था कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है GDP से भी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। इससे ये डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इंडेक्स है। अगर इंडिया डेवलप्ड होगा ना तो उसका ग्रॉस नेशनल ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया का रैंकिंग अच्छा होगा। लेकिन भूटान जैसा कंट्री है ना वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मतलब अपना कंट्री का नेशनल हैप्पीनेस भी वो लेकिन मेजर करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हैप्पी रहेंगे ना तभी जाके प्रोडक्शन भी होगा, तब जाके अच्छा से उसका रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट जो है ना MDGs गोल, MDGs गोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली देखा गया था ना यूएन जनरल असेंबली का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था सितंबर 2020 में, तब एक डिक्लेरेशन किया गया था, वो है मिलेनियम डिक्लेरेशन। वहाँ पर कुछ गोल सेट किए गए थे जो बेसिकली जिसका डेडलाइन था 2015 तक, उसे मीट कर लेने पड़ेंगे। और गोल्स कितने सारे गोल्स थे, 8 गोल्स थे। तो ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था 2000 में, और यहाँ पर कुछ गोल्स लिखे गए जैसे इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी, इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ, फिर इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यहाँ हम लोग देख लेंगे कि साथ में हम लोग कितना इसमें मीट किए, ये इसमें बताया गया कि हम लोग कितना ऑलरेडी स्लो मॉडरेट ऑन ट्रैक है इसमें। यहाँ से पता चल जाएगा हम लोग की हंगर एंड पॉवर्टी में बेसिकली हम लोग का मेन टारगेट था कि हम लोग को हाफ हो जाना है। 1990 से 2015 के बीच में हम लोग का जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल उसे हम लोग को हाफ कर देना, पर हम लोग कितने हम लोग स्लो है उस टारगेट में अभी तक। फिर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग का क्या स्टेटस रहा है, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन में बेसिकली हम लोग को जेंडर डिस्पैरिटी को पूरी पूरी तरह से खत्म करना था, और एंड ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन नो लेटर 2015 तक, पर हम लोग इस ऑन ट्रैक है। अभी भी हम लोग इन कोशिश कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। फिर HIV HIV में हम लोग का वो था कि हैव
हॉल्टेड बाय 2015 और रिवर्स कर रहे इंसिडेंट्स ऑफ मलेरिया एंड अदर डिजीज को रिवर्स कर रहे। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, ये बेसिकली पूरा पूरा डेटा बेस्ड है। नेक्स्ट जो है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब वो तो एमडीडी गोल्स तो 2015 तक थे, वो खत्म होने वाला था, तो उसके पहले ही ना रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था 2012 में, तो वहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था। इस गोल को एजेंडा 2030 भी कहते हैं क्योंकि इसका डेडलाइन है 2030 तक, ये सारे जो 17 गोल्स है उन्हें हमें मीट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? ब्रुटलैंड कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था। इसका क्वेश्चन आप भी आता है। तो यहाँ पर 17 टारगेट्स है जो हमें मीट करना है 2030 तक, इसका डेडलाइन है। उसका 2015 तक था, इसका 2030 तक इसका डेडलाइन है। ये 17 पैरामीटर्स है, 17 हंगर, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, सैनिटेशन, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, क्लाइमेट एक्शन, बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, नो पॉवर्टी, ये सब सारे इंडेक्स इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें समझाने वाली ऐसी कुछ नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने आंसर में आप लोग कोट कर सकते हैं कि हम लोग ये वाला जो गोल्स में अभी तक मीट नहीं किए। अब देखिए, इस गोल्स को मीट करने के लिए ना इंडिया बेसिकली नीति आयोग और एक इंडेक्स बेसिकली पब्लिश करता है, तो वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना स्टेट लेवल पे करता है ताकि, और इस इंडेक्स में देखा गया कि केरला ये लोग ज़्यादा अच्छे से इसमें टॉप किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।